प्री मानसून की बरसातों ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यह तस्वीरें हैं रेवाड़ी शहर के मुख्य चौराहों और सड़कों की, जो महज 3 घंटे की बारिश से जलमग्न नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, शहर की सबसे महंगी मार्केट कहलाए जाने वाली ब्रास मार्केट के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। यहाँ पर पानी इस कदर भरा है कि मानो तालाब हो। इस पर रेवाड़ी के लोगों का कहना है कि रेवाड़ी में यह हालात कोई नई बात नहीं है, बल्कि छोटी सी बारिश में ही इस तरह के हालात रेवाड़ी में देखने को मिलते हैं, और जब बारिश बढ़ेगी तो क्या हाल होगा वह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि सही ढंग से ड्रेनेज का प्रबंध ना होना इसका बड़ा कारण है। प्रशासन और सरकार इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता। अनेकों बार प्रशासन और सरकार तक इस बात को पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुध नहीं ली गई। प्रशासन को बारिश से पहले ही इसका इंतजाम करने चाहिए, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान ना देकर केवल खोखले वादे करता है। मेरा नाम आयशा है, मैं यहाँ पे यमातो इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने आती हूँ। मैं रोज आती हूँ यहाँ पे, तो ये साफ सुथरा होता है, मतलब कि इसमें है गड्ढे, इसको ठीक करवाना चाहिए, और अभी इतना ड्रेनेज सिस्टम इनका सही करना चाहिए। ऐसा इतना पानी वगैरह, एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अभी बारिश 2 घंटे ही आई रात को। 2 घंटे में देखो आप इतना हाल, अगर थोड़ी देर और होती तो रेवाड़ी डूब जाता मेरे हिसाब से। तो अभी बारिश होनी है, प्री मानसून है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। ये समझ लो कि अगर कुछ पड़ जाए तो बच्चा हो तो डूब ही जाएगा, कोई छोटा बच्चा साथ में अगर गिर जाए तो। इनका पता नहीं, शिविर भी खुले हैं, पानी भी भरा है, और ये यहाँ से नहीं, अनाज मंडी से इधर से आ जाओ, छोटी सी बरसात हो जाओ उसी में गोड्डा से ऊपर पानी हो जाता है। अभी कितनी देर की बरसात हुई? ये सिर्फ मेरे ख्याल से 1 बार 3 बजे से आई थी, और 1 बार ये सुबह आई है, और ये तो छोटी सी बरसात है। जब बड़ी बरसात होगी तो पता नहीं क्या हालात होंगे रेवाड़ी शहर, और यहाँ नहीं, सब जगह ये हाल हो रहा है। पानी की जो समस्या है आप देख ही रहे हैं, वाटर लॉगिंग जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह से कस्टमर परेशान है, आने जाने वाले वाहन के जो चालक हैं वो परेशान है, दुपहिया वाहन चालक परेशान है, आम जनता परेशान है, और सबसे ज्यादा कस्टमर परेशान है। जैसे अभी 2 घंटे की प्री मानसून की बरसात, आगे अभी बरसात होनी है, ऐसे में प्रशासन के दावे कि ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, ब्रास मार्केट में आपकी दुकान को किस तरीके दिख रहे हैं इन दावों से? दावे तो सर अपने आप बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, पानी का जो जमाव है वो दावों की पोल खोल रहा है सर।